आप जो अपना YouTube चैनल सुनील सर सिवान में और आर्टिकल का अगला देखने जा रहे हैं रूल जो आर्टिकल को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड किए थे टू पार्ट में डिवाइड किए थे ठीक उसमें से एक लेट आर्टिकल होता है जो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है वो हुआ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के काउंटेबल नाउन के पहले आता है जो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आता है एग्जांपल देखते हैं हुआ है ये सेंटेंस हमारा क्या है गलत है सेंटेंस क्या है गलत है इसका सही सेंटेंस क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए राम इजा हुआ है राम इजा हुआ है राम इजा हुआ है क्योंकि हुआ क्या है काउंटेबल है और सिंगुलर है काउंटेबल है और क्या है सिंगुलर है जब काउंटेबल और सिंगुलर है उसको मैंने कैसे यूज करना है जी एक ही यूज करता है एक ही यूज करता है देखिए अब अगला रूल लेते हैं जितने भी क्या होते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं उनका सेंस क्या चलता है जी एच एवरेज और पर एच एवरी और पर एच एवरी और पर के हम इसे यूज करते हैं जी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करता है इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करता है जैसे आदमी वाले पे ना देखना ये तो बोलता है ना आई कैन रन आई कैन रन 5 किलोमीटर 5 इन इन 1 और 1 और जी ये हमारा सेंटेंस क्या है सही है सेंटेंस क्या है सही है यहां पर 1 लिख रहे हैं आई कैन रन 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर इन 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 5 किलोमीटर पर आवर पर आवर ये भी क्या हमारा सही है चाहे चाहे तो आप ये भी ले सकते हैं आई कैन रन 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर इन अ आवर चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज ईच एवरी फॉर के टर्म में लिखा किया जाता है किया जा सकता है आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद